दोस्तों स्वागत है आपका स्कैम नंबर 9 में। आशा करता हूँ आपने पहले के 8 स्कैम जरूर देखे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है DH40 स्कैम सीरीज एंड इसका 9th स्कैम है। तो स्कैम 9 कौन सा है? स्कैम यूजिंग QR कोड। QR कोड आजकल बहुत प्रिवेलेंट है एंड ड्यू टू इट्स ईज ऑफ यूज बहुत प्रिवेलेंट हो रहा है। तो इसी के चलते स्कैमस्टर्स भी इसका एडवांटेज क्यों ना ले वो सोचते हैं। तो इसी के चलते एक स्कैम आ गया है, QR कोड का स्कैम। इसमें क्या होता है, स्टोरी ऐसी है, डिजीमैन एक दिन उसका एक कार पुराना हो गया था तो वो ऑनलाइन वेबसाइट पे सेल करने के लिए डील डालता है उसकी सेकेंड हैंड कार। तो डील डालते ही वो थोड़े टाइम में एक कॉल आ जाता है उसको, जो कि फ्रॉडस्टर है, पर उसे पता नहीं है, हमें पता है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है, इसलिए डिजीमैन को नहीं बताया, आपको पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि आप सतर्क रहे या सतर्क रहोगे तो ये सब फ्रॉड के शिकार नहीं होगे ना। डिजीमैन को डिजिटल हर्ब नहीं मिला पर आपको डिजिटल हर्ब मिल रहा है, सो टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, चलते हैं वापस। तो डिजीमैन को क्या होता है, कॉल आता है, कॉल पे फ्रॉस्टर बोलता है मैंने आपका एडवर्टाइज देखा एंड मुझे कार अच्छा लगा एंड परचेस करना चाहता हूँ। तो ठीक है, डिजीमैन तो बहुत खुश हो गया, इतने जल्दी ही हैज रिसीव्ड रिस्पॉन्स फॉर इसका, बट ही सेड दैट कि वो प्राइस नेगोशिएट नहीं होगा एंड उसका कार का कंडीशन वगैरह क्या है उसने सब बताया। तो फ्रॉस्टर को अच्छा लगा सब कार उसका कंडीशन वगैरह एंड अग्रीड। तो पर फ्रॉस्टर का एक कंडीशन था, मतलब वो चाहता था कि ये कार वो मिस ना कर सके, तो इसलिए वो डिजीमैन को बोलता है यार मैं टोकन अमाउंट आपको दे के रिजर्व करना चाहता हूँ डील, ताकि आप और किसी को ना दो ये कार, क्योंकि मुझे आपका कार बहुत अच्छा लगा। डिजीमैन तो खुश हो जाता है, सब टोकन अमाउंट भी दे रहा है रिजर्व का, देन तो कन्फर्म है इसका सेल। तो वो बोलता है वाई नॉट श्योर। तो फ्रॉस्टर बोलता है मैं ना एक आर्मी पर्सनल हूँ एंड मेरा बेटा चाहता है कि एक कार परचेस करा जाए क्योंकि अभी रिटायर होने वाला हूँ एंड सन इज इंसिस्टिंग सो मच टू बाय अ कार। तो इसीलिए वो फ्रॉस्टर क्या बोलता है, इसलिए मुझे अर्जेंटली बाय करना है। तो डिजीमैन बोलता है ठीक है नो प्रॉब्लम, आप टोकन अमाउंट दे दीजिए, अकाउंट डिटेल्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ एंड पर शायद आपको कार तो देखना होगा ना परचेस करने के पहले। या श्योर कार तो देखेंगे बट एक बार आपको टोकन अमाउंट दे के मैं रिजर्व कर लेता हूँ। तो डिटेल्स मिल जाते हैं फ्रॉस्टर को एंड डिटेल्स पेमेंट करने के लिए फ्रॉस्टर जाता है। 10 मिनट्स तक वो वेट करता है डिजीमैन, पेमेंट नहीं होता है। फ्रॉस्टर का सामने से कॉल आता है यार डिजीमैन पेमेंट नहीं हो पा रहा है, 10 मिनट से मैं ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बेटर क्या करते हैं, मैं आपको एक QR कोड देता हूँ, आप उसको स्कैन कर लीजिए एंड उतना अमाउंट आपको आ जाएगा। तो डिजीमैन तो बहुत खुश हो गया यार, जल्दी आ रहा है अमाउंट, डील फाइनली करना है, ब्लॉक करना है डील को। तो इसीलिए वो क्या करता है डिजीमैन, QR कोड उसके मिल जाता है, स्कैन कर लेता है, देन UPI पिन उस पर पूछता है। UPI पिन पूछ रहा है तो फ्रॉस्टर बोलता है हाँ UPI पिन तो एंटर करना पड़ेगा तभी आपको अमाउंट आएगा। तो सोचे समझे मेरा डिजीमैन UPI पिन एंटर कर देता है एंड देन रेस्ट रिजल्ट आपको तो पता ही, आप देख रहे हो इतने स्कैम्स, अमाउंट डेबिट हो गया, विक्टिम ऑफ फ्रॉड QR कोड स्कैम। तो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें क्या ध्यान में रखनी है कि कभी भी QR कोड से पैसा नहीं लिया जाएगा। यू कैन नॉट रिसीव मनी थ्रू स्कैनिंग QR कोड, यू कैन ओनली मेक पेमेंट यूजिंग QR कोड। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। एंड सेकेंड थिंग, पैसा लेने के लिए टू रिसीव मनी आपको कभी भी पिन एंटर करना नहीं पड़ेगा, ओनली टू पे मनी यू हैव टू एंटर द पिन। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। So, take care of that. Thank you so much for watching this video. Share this video with each and everyone because let us all lead healthy digital life with Digital Herb.